तो आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स क्या है? नॉन इन्फिनिटिव वर्ब का ही एक पार्ट है। आइए देखते हैं इन्फिनिटिव क्या होती है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने अक्सर सेंटेंस को सब्जेक्ट से शुरू किया है और वो सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन ही होता है, ठीक है। इसके अलावा भी सब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ा जेरेंड, जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा। जेरेंड से भी सब्जेक्ट बनाया जा सकता है, एज ए सब्जेक्ट काम करता है, जिसमें हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और वो सब्जेक्ट के प्लेस पर रख देते हैं तो वो एक सब्जेक्ट हो जाता है, एक नाउन हो जाता है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, जेरेंड वाली वीडियो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दे रहा हूँ और लास्ट में आपको एंड स्क्रीन पर भी दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। फिर भी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ थोड़ा सा। कुकिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, खाना बनाना जो है बहुत डिफ़िकल्ट होता है। द प्रोसेस ऑफ कुकिंग यानी कि इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो यहाँ कुकिंग जो है वो जेरेंड है। देखो, मैंने कुक में आईएनजी लगा दिया है, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म में लगाने पे हमें जेरेंड बनता है, बट वो सब्जेक्ट का काम करना चाहिए। यहाँ पे खाना बना कोई नहीं रहा है, कोई एक्शन नहीं कर रहा है, बट हमें क्या कहना है, द प्रोसेस ऑफ कुकिंग, ये जो कुकिंग की प्रोसेस है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। आई होप आपको समझ में आया। आइए इन्फिनिटिव से सीखते हैं हम लोग इन्फिनिटिव को किस तरह से सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं। उसको भी हम सब्जेक्ट की तरह रखेंगे, बट यहाँ पे हमें 2+V1 लगाना होगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप देखते हो उसमें हमें 2+V1 लगा देना, यानी 2 लगाकर फिर वही वर्ब लिखना है, इसके बाद हमारा वो सब्जेक्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ टू वॉक इज़ ए गुड एक्सरसाइज, तो क्या एक्सरसाइज गुड है? टू वॉक यानी टहलना जो है, जो प्रोसेस ऑफ वॉकिंग है, यानी कि टू वॉक हम सब्जेक्ट बनाए हैं, तो यानी द प्रोसेस हम बता रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ वॉकिंग की, ठीक है। इसको पूरा सब्जेक्ट मान लिया गया, तो इस प्रोसेस को हमें क्या कहना है, एक्सरसाइज है। तो टू वॉक इज़ ए गुड एक्सरसाइज, या टू स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडीज लाइफ, यानी सोना जो है सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो प्रोसेस ऑफ स्लीपिंग है। तो आइए बहुत सारे सेंटेंसेस मैं इस तरह के बता देता हूँ। टू रन इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, आपके हेल्थ के लिए दौड़ना क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप सुबह में दौड़ें। तो प्रोसेस ऑफ रनिंग जो है वो मैं बता रहा हूँ, टू रन एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। टू राइट अ लेटर इन इंग्लिश इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। लेटर तो लोग बहुत सारे लिखते हैं, अगर आपको इंग्लिश में लेटर लिखना हो तो उसको बता रहे हैं लेटर, इंग्लिश में जो लेटर लिखना होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्या डिफ़िकल्ट होता है? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ लेटर इन इंग्लिश, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। टू राइट, क्या राइट करना, अ लेटर इन इंग्लिश, ये पूरा सब्जेक्ट इस तरह से आप बना सकते हो। टू राइट अ लेटर इन इंग्लिश इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। टू राइड ए बाइक इन एन अर्ली एज इज़ इलीगल, देखो बाइक चलाना बहुत ही कम एज में, 18 से कम एज के बच्चे जो बाइक चलाते हैं वो इलीगल माना जाता है। तो मैं बता रहा हूँ बाइक चलाना बहुत ही अर्ली एज में इज़ इलीगल होता है, ठीक है। टू गो टू जिम इज़ गुड फॉर हेल्थ, इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर हेल्थ, इफ़ यू वॉन्ट टू बी हेल्दी, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू गो टू जिम। तो मैं बता रहा हूँ टू गो टू जिम इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, जिम जाना है, टू गो टू जिम, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब अगला है टू चैट इन इंग्लिश ऑन व्हाट्सएप, इज़ वेरी कॉमन। अब आप बताओ कहाँ तक सब्जेक्ट हुआ, टू चैट इन इंग्लिश ऑन व्हाट्सएप। देखो व्हाट्सएप पे चैट करना इंग्लिश में बहुत कॉमन हो गया है अब सोशल मीडिया साइट पे, ठीक है। तो बता रहा हूँ टू चैट यानी कि जो प्रोसेस ऑफ चैटिंग है वो बहुत कॉमन हो गया है। अगला है टू स्पीक एंड लर्न इंग्लिश इज़ अ फन, इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलना एक फन हो गया है, फन की तरह काम करता है। टू पेंट कुड बी समवनस हॉबी, जो प्रोसेस ऑफ पेंटिंग है वो किसी की हॉबी हो सकती है, बहुत लोगों की हॉबी होती है, बहुत लोगों की इंटरेस्ट होता है इसमें पेंट करना। अब अगला है टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, एक क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो आपको ये समझ में आया कि इन्फिनिटिव। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूला करिए आप लोग।